नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आपको मैं आज एक प्लांट आपके सामने लेके आई हूं, जो आप लोग जानते होंगे क्योंकि हर जगह पे ये आपको लगा मिलेगा। कहीं आप देखिए कि रोड के किनारे किनारे भी लगा होता है, और कोई भी पार्क में आप चले जाएं तो किनारे किनारे बाउंड्री में लगाया होता है, या किसी के गार्डन में देखें तो ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिपाही की तरह खड़ा रहता है कि बिल्कुल सीधा, चाहे जितनी हवा आंधी तूफान आए ये बिल्कुल गिरने वाला नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा इसकी लंबी लंबी स्टिक, और बहुत खूबसूरत, बहुत हरी हरी पत्तियों वाला ये पौधा। आयुर्वेदिक दवाई इसकी है, इसकी आयुर्वेदिक में दवाई बनती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी दवाई है आयुर्वेद में। और आप लोग लिंक में जा करके इसका पता भी कर सकते हैं कि इसका नाम नागदोन है। ये नागदोन प्लांट से जाना जाता है, नागदोन प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ये जो नागदोन का प्लांट है, बहुत ही बड़ी इसकी आयुर्वेदिक दवाई बनती है, और स्वामी बालकृष्ण के द्वारा ये अवगत, बालकृष्ण जी अवगत कराते हैं, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार हैं और बहुत बड़े आयुर्वेद के वो डॉक्टर हैं, और आयुर्वेद के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी। आप उनके लिंक में जाकर ये पता भी कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पौधा होता है, और ये दूध वाला प्लांट होता है, इसको तोड़ने से दूध निकलता है, इसलिए इसको नागदोन बोलते हैं। ये नागदोन के प्लांट से जाना जाता है किताबों में। और इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है, वो मैं भी आपको बताती हूँ क्या इसकी मेडिसिन बनती है। जो जगह घरों घरों में ये जो रोग होता है, इसकी मेडिसिन बनती है, घरों घरों में पाया जाता है ज़्यादातर लोगों में। और इसकी खास बात है, इसकी एक स्टिक आप तोड़ के अगर जो कहीं भी लगा दें, छोटे से पॉट में, देखिए हमारे पास हर तरीके के पॉट प्लांट एक बॉटल में लगे होते हैं, जो पेप्सी की बॉटल होती है। ये जो पेप्सी की बॉटल है, देखिए इसमें मैंने छोटी सी, छोटा सा एक प्लांट, छोटी सी एक स्टिक इसमें लगा दी थी, तो देखिए कितना घना हो गया है। और इसको जब थोड़ा सा बढ़ जाए तो काट दें, काटने के बाद में बहुत घना हो जाता है। और सबसे खास बात तो है, एक बारह महीने चलता है इसमें, कभी किसी भी महीने में आप देखेंगे हरी भरी पत्ती रहती है, हरी भरी पत्ती रहती हैं। थोड़ा सा इसको पानी की ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा इसको ये देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस ये आपको जगह जगह पे खड़ा मिलेगा। लेकिन बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों वाले प्लांट हमारे जगह जगह आपको मिलेंगे, तो लेकिन आप बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं ऐसे प्लांटों को। मैं आपको इसलिए जानकारी देना चाहती हूँ, ये नागदोन का प्लांट है, और इससे फाइल्स की जो हमारे बवासीर हो जाता है, लोगों के दो तरीके का बवासीर होता है, एक खून वाला होता है जिससे लैट्रिन जाने में खून निकलता है, और एक दूसरा होता है बादी वाला, जो से खून नहीं निकलता है और बहुत भयानक उसमें दर्द होता है, आप लैट्रिन जब जाएँ, और बहुत ही जो रोगी होते हैं बहुत परेशान रहते हैं इस बवासीर के रोग से, तो उस बवासीर के रोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद जड़ी बूटी है आयुर्वेद की, जो जिसको नागदोन प्लांट कहते हैं। इसकी दो तीन पत्तियां, तीन पत्तियों को दो तीन चार काली मिर्च के साथ अगर जो सेवन करें डेली खाली पेट, तो तीन चार दिन के अंदर ही आपकी जो पाइल्स है, जो पाइल्स की बीमारी है, जो खूनी पाइल्स है या दूसरी वादी वाली पाइल्स है, वो बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। ये आचार्य बालकृष्ण जी का कथन है, आप उनकी लिंक शेयर करके आप चाहे देखें। तो मेरे पास ये पौधा था, इसलिए मैंने आप लोगों को भी जानकारी यूट्यूब के ज़रिए दे रही हूँ कि ये जो नागदोन का प्लांट है, जो पाइल्स की बीमारी है, जो बवासीर की बीमारी है, में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी दो तीन पत्तियाँ तोड़ लें, तीन पत्तियों को कोमल कोमल पत्तियों, इसकी पत्तियाँ हर समय कोमल रहती हैं, तीन पत्तियों को कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ने के बाद तीन काली मिर्च में इसको मिर्च के ऐसे तीन काली मिर्च पीस लें, और इसको खाली पेट खाने से बवासीर की बीमारी से बहुत बड़ा, बवासीर की बीमारी में, पाइल्स की बीमारी में बहुत फ़ायदा करता है।
तो ये अपने घरों में आप सभी लोग लगाएं। और ये नागदोन का प्लांट जो है, इसको लगाने से नाग जो सांप होते हैं वो भी आपके घर में नहीं आएंगे। और ये दूध वाला प्लांट होता है, देखिए मैंने पत्ती तोड़ी है तो दूध निकल रहा है, इसलिए इसको नागदोन बोलते हैं। और बिल्कुल सीधे खड़ा रहता है, ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसके एक आप टहनी अगर जो यहाँ से तोड़ के लगा दें, कहीं पे गाड़ दें मिट्टी में, तो वहीं से सीधे चलने लगता है, मिट्टी में गाड़ने से ही चलने लगता है। और बहुत ज़्यादा इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती, जहाँ देखें वहाँ खड़ा मिलेगा। बिल्कुल भी इसकी ये लो मेंटेनेंस का प्लांट होता है। जब मैं पौधों में पानी देती हूँ तो इसको साथ में इसमें भी भर देती हूँ, क्योंकि कितनी कम मिट्टी में, इसमें भी आज मैंने पानी नहीं दिया है, कल का पानी दिया हुआ, तो सूखी मिट्टी है, इसमें कम भी मिट्टी में ये हमारा प्लांट चलता रहता है, बहुत हरा भरा रहता है। और इतना खूबसूरत आपके अगर जो गार्डन है, गार्डन की बाउंड्री में इसको अगर जगह जगह लगा दें तो बहुत खूबसूरत ये इसकी पत्तियाँ लगती हैं और बहुत सुंदर सा ये लगता है। तो आज मेरी यही जानकारी थी नागदोन के प्लांट के लिए। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है नागदोन, इसकी जानकारी आज मैंने दी। और इस पौधे को आप लोग घर में ज़रूर अट करें, गार्डन में ज़रूर अट करें, जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी रहेगा। अगर जो ना सेवन करें पाइल्स में, तो आप डॉक्टर से दवाई ला सकते हैं और आयुर्वेद में इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और वैसे भी आप अपने गार्डन में लगाएं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिविटी देने वाला, बहुत ही एनर्जिकल प्लांट होता है नागदोन का प्लांट। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ, और छोटे से पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, कहीं भी से स्टिक आप तोड़ के, और मैंने भी इसको स्टिक ही तोड़ के मैंने लगाई थी। तो अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को हमारे लिंक को शेयर जरूर करें, और मोटिवेशन मेरा बढ़ाते हुए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है नागदोन प्लांट की, तो उसके बारे में जरूर कमेंट करें। अपना वीडियो बंद करती हूँ, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।